वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज एक ऐसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो एलोवेरा के प्लांट के बारे में अक्सर गर्मियों में फेस करना पड़ता है, यानी इसके टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा पौधा ऐसा लगता है जला जला सा, और इसके पत्ते श्रिंक हो जाते हैं और एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम परेशान भी हो जाते हैं कि हमारा पौधा जल तो नहीं रहा। थोड़ी सी केयर है इस प्लांट की, अगर हम ख्याल रखें तो हमारे पौधे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम एलोवेरा के पौधे को पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आपने ज़मीन में लगाया है और वहाँ पर डायरेक्ट धूप भी आ रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मिट्टी के अंदर वो तकरीबन अपना मॉइस्चर मेंटेन कर लेता है और दूसरे पौधों के साथ होता है तो टिप्स इतनी ब्राउन नहीं होती, इतना मसला पौधे में नहीं आता। लेकिन अगर आपका पौधा पॉट में लगा हुआ है जबकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, बेबी पप्स भी निकल रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है पौधा जल रहा है, तो पौधा सर्दियों में तो पौधा 2-3 घंटे की दोपहर की धूप हो तो भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो पौधे किसी शेड वाली जगह पर ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सिर्फ सुबह की धूप आए, वो ज़रा ठंडी धूप होती है, पौधा बर्दाश्त कर लेगा फ्रेंड्स। लेकिन गर्मी में दोपहर की तेज़ धूप में आप गए तो फिर आपका पौधा जला जला होने लगेगा, ब्राउन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एलोवेरा के पौधे को शेडी एरिया पर रखना है, ये दोबारा से रिकवर करके अपने ग्रीनी शेड पर चला जाएगा। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ों का फिर भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी रूट्स ख़राब हो जाएगी और अगर एक दफ़ा रूट्स ख़राब हो जाए तो फिर वो रिकवर नहीं होती, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें गल जाती है, जब जड़ें गल जाती है तो पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर गर्मी की वजह से आपका पौधा जल भी गया है तो बजाय ज़्यादा पानी डालने के आप इसकी जगह चेंज करें, इसे शेड में ट्रांसफ़र करें तो पौधा दोबारा से सही हो जाएगा। इसके पत्ते भी दोबारा से मोटे हो जाएंगे, काफ़ी हद तक उसमें जेल भी ज़्यादा हो जाएगा, उसके टिप्स भी सही हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।